छत्तीसगढ़ में पिछले 10 साल में लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या पर चर्चा करना या कैमरा में उनकी बात को बाहर लाना काफ़ी चुनौती पत्रकार के लिए है। छत्तीसगढ़ की हालात ऐसी है कि साधारण बात करने से भी लोगों के अंदर पता नहीं कब क्या हो जाएगा, ये स्थिति बनी रहती है। एक समुदाय पत्रकार होने के नाते और एक महिला होने के नाते जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे किसी तरह की खतरा नहीं है अपने सुरक्षा को लेकर, उसी जगह में हम जाकर कोशिश करते हैं छोटे छोटे समस्याओं के ऊपर वीडियो बनाने का। जो पत्रकारों की बात आ रही है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे हमने छत्तीसगढ़ में और भारत के अन्य जगहों पे भी हम सुनते आ रहे हैं कि जो भी सच बात को उभारने की कोशिश करता है अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, हमेशा से उनके साथ दमन होता रहा है। 2009 में प्रताड़ना हुआ था जिसको लेके जब पत्रकारों से बात किया गया तो पत्रकारों ने कहा कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक के हम नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो घर वाले 3,000 रुपये दिए पत्रकार, तब जो है एक छोटे से लास्ट में एक कालम आया कि फलाना फलाना लड़का पकड़ के ऐसा कि ये किया गया। उस समय SPO वगैरह बनाने का चल रहा था, सलवाजड़ों में स्टार्टिंग थी, उस समय पकड़ के ले जाने के बाद, उसके बाद जो है मुझे पता चला कि पत्रकारों ने मेरे न्यूज़ को छापने के लिए 3,000 रुपये घर से लिए, कि इन्होंने उस समय 3,000 रुपये घर से लिए। अब हम आदिवासियों में कोई पत्रकार है नहीं कि पैसा दे के ही छपा है, और पत्रकार उस समय वहाँ था भी नहीं पत्रकारिता, मतलब इतना, मतलब जो बड़े तादाद में होता है आज जैसे छपता है बस्तर की न्यूज़, कोई ना कोई उठाता है छापता है, क्योंकि आज हैं हम फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से अपने को पता चल गया है कि हम नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर गाँव में कोई घटना हुई है जिसको लेकर मैं अगर अंदर जाती हूँ और बाहर आती हूँ, उस समय मुझे अपना कैमरा तक चेक कराना पड़ जाता है कि सामने वाले को ये लगता है कि हो सकता है कि ये नक्सलियों का इंटरव्यू लेके आ रही होगी, क्योंकि गांव 17 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर गांव में घुसना मतलब नक्सलियों से मुलाकात करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी दिक्कतों को देखते हुए है। तो यहाँ अघोषित रूप से कि पत्रकारों की आवाज़ को बंद करना, कलम को बंद करना, उनके हाथ तोड़ देना, उनके ऊपर फर्जी केस लगाना, कई लोगों की हत्या कर देना, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में भी यही चीज़ है, पत्रकारों के साथ में भी यही चीज़ है। छत्तीसगढ़ में जितने भी पत्रकार जुड़े हैं, समुदाय पत्रकार जुड़े हैं, सभी के साथ में इस तरह की छोटे छोटे समस्याएँ और बड़े से बड़े समस्याएँ आ रही है, और इसी चुनौतियों के साथ में हम आदिवासी इलाका के जो खबरें हैं उसको बाहर निकाल पा रहे हैं। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।